नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले बिहार कांस्टेबल का फॉर्म आप फ्री में कैसे भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको sarkarirezult.com या तो फिर rozgarirezult.com को ओपन करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, फ्री में वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बिहार पुलिस की पुरानी भर्ती यानी कि 2/2018 में आवेदन किया था। दोस्तों फॉर्म पूरा आपको दिखाएंगे, फिल आउट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आपको अपना पिछली बार वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या रोल नंबर डालना है, साथ में आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और एक कैप्चा कोड डालना है। तो दोस्तों सारी डिटेल्स देखिए मैंने डाल दी है, नीचे कैप्चा डाल दिया है। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते ही मैंने आप देखेंगे कि आपका जो डिटेल्स है वो ओपन हो गया। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिएगा। ये देखिए पूरा डिटेल्स खुल गया। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए आपने पिछली बार वाले में फॉर्म नंबर गलत दे रखा है, मतलब कि फोन नंबर अपना मोबाइल नंबर, तो इस बार आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अपना आप ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जो पेडिग्री है वो अपडेट नहीं होगी, केवल आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पूरी पूरी अपडेट कर सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने अपना नया मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी को जो है अपडेट कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे की जानकारी। तो देख सकते हैं नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है प्रोसीड का तो और दूसरा आपको दिख रहा है बैक का। तो दोस्तों अगर आपका कुछ भी गलत है तो आप इसको बैक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो प्रोसीड करके आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने सब चेक कर लिया है, मेरे हिसाब से पूरा फॉर्म सही है। अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, पुराने कैंडिडेट है, सब कुछ चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में उसमें आपको कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छी तरह फॉर्म चेक करने के बाद ही प्रोसीड का बटन दबाइए। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोसीड करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों इसका लिंक जो है आपको sarkarirezult.com और rozgarirezult.com पर उपलब्ध है, वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद से करते ही मान देखेंगे आप उसको, यही डिटेल आप दोबारा जो है चेक करने के लिए आ जाएगी। इस बार आपको बैक का बटन भी जो है शो करेगा, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपकी लगी है सब कुछ सही होनी चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं बॉक्स में डिक्लेरेशन है, यहाँ नीचे देखिए आपको कैप्चा डाल दिया हमने। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एक सबमिट फॉर्म। अगर कोई आपको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में गलती है तो आप एडिट कीजिए, अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो सबमिट करके आगे चलिए। तो दोस्तों देखिए मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही माना आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर की दोस्तों एक फोटो खींच लीजिए या तो कहीं भी कॉपी पेन वगैरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर जो है बाद में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको तुरंत ही जो है इसकी फोटो खींच लीजिए या तो किसी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू फिल फॉर्म का। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको नीचे देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ मेल कैंडिडेट है, इसलिए चार ही ऑप्शन है, हो सकता है महिलाओं में ये ऑप्शन कम ज्यादा भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीएमपी है, सारा डिटेल दिया और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल भी जो है sarkarirezult.com और rozgarirezult.com पे उपलब्ध है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम भरते हैं। देखिए हमने अपना प्रेफरेंस जो सेट कर लिया है, पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस लिया है, फिर स्पेशल लिया है, फिर लास्ट में हमने मिलिट्री पुलिस ले रखा है। आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे उस हिसाब से भरिए। अगला ऑप्शन मैंने अपना मैरिटल स्टेटस जो है सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम और अपना आधार नंबर और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें देखिए डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का भी पूछ रखा है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हो, डिबेट हो आप किसी एग्जाम से, तो इसमें आपको जो है उसकी जानकारी देनी है। जी हाँ दोस्तों पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में आपका ये सब चीज़ें आएंगी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना फॉर्म फिलआउट कर दिया है, फादर नेम डाल दिया है, मदर नेम डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दिया जैसे कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप गोरखा और का कैंडिडेट है तो उसका भी वेटेज है। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंटरमीडिएट का, आपको बोर्ड का नाम डालना है। अगला आपको जो अपना पासिंग सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट का नंबर डालना है, कब पास आउट हुए वो डालना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आपको डालना है अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो यस पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो चीज़ जो है अपग्रेड हो जाएगी। क्रिमिनल केसेस वाली डिटेल अच्छी तरह चेक कर लीजिए। दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो सैंपल फोटोज दी हुई है, किस तरीके की फोटो होनी चाहिए, जिसमें क्रॉस लगा है तो फोटो उस टाइप की फोटो बिल्कुल मत अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट हो जाएगा। जिसमें टिक लगा है उस टाइप की फोटो ही चलेगी, मतलब फोटो का बैकग्राउंड लाइट रखिएगा, फोटो में जूमनेस की क्वालिटी वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए।
जरा सही फोटो में आपका इधर उधर हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। दोस्तों सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको जो है इंग्लिश में भी व्हाइट पेपर में और हिंदी में भी व्हाइट पेपर में, और ब्लैक पेन का ही यूज कीजिएगा, नहीं तो ब्लू पेन भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे हम उसको आगे करके प्रोसीड करेंगे तो फोटो सिग्नेचर शो नहीं करता लेकिन वो अपलोड हो जाता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि आपका फोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है एडिट डिटेल, दूसरा दे रहा है सबमिट एप्लीकेशन। तो दोस्तों पूरा डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि कोई करेक्शन है तो एडिट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है तो फिर सबमिट करके आगे चलिए। दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, जो प्रीव्यू वाला इसमें ऑप्शन है उसमें आपका जो ये फोटो नहीं शो करती, जब आप फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकालेंगे तो शो करेगी। दोस्तों ये देखिए मैंने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है और देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, नीचे आपका प्रिंट एंक्लोजमेंट का एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो फाइनल प्रिंट आउट है वो डाउनलोड हो जाएगा और फॉर्म आपका ये कंप्लीटेड सबमिट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, फॉर्म का प्रिंट आउट आ गया है। अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट को आप रख लीजिए अपने पास और जो है इसको इन फ्यूचर आपके पास काम आएगा, इसको अपने मेल पे भी रख लीजिए और आपको मैं बताऊं तो इसको जो है आप इसका एक फोटो खींच लीजिए और प्रिंट भी निकाल लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार की आपको फॉर्म समझने में दिक्कत आ रही हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई एजुकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।